हेलो भाई, मैं अवंकित। क्या अभी अपने लिए एक 125 सीसी की मस्त बाइक ढूंढ रहे हो जो माइलेज भी अच्छा दे और सिटी में चलाने के लिए A1 हो और कंफर्ट वगैरह भी उसमें अच्छा मिले? तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए है। आज मैं आप सभी को टोटल 8 बेस्ट बाइक के बारे में बताऊंगा जो डेली यूजेज के लिए बहुत ही परफेक्ट है और वो 125 सीसी की है और माइलेज भी अच्छा देंगी, प्लस में आपको कम्फर्ट भी A1 मिलने वाला है उन सब में, और उन सब का बिल्ड क्वालिटी भी A1 मिलेगा और वारंटी वगैरह भी अच्छा खासा है और प्राइसिंग भी आपको कुछ ज़्यादा पे नहीं करना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आओ फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं भाई, हर कंपनी कहती है कि मेरी बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है भाई। जो बंदा चलाया हुआ रहता है बाइक को, वही अच्छे से बता पाता है। मैंने 125 सीसी की ऑलमोस्ट सारी बाइक को चलाया। भले ही आप सभी के लिए मैं राइड रिव्यू वाला वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन चलाता जरूर हूं भाई, टेस्ट राइड वगैरह जरूर लेता हूं शोरूम में जाके। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, हर गाड़ी का सच्चाई के बारे में आपको पता चलेगा इस वीडियो में, इसीलिए भाई आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो इस लिस्ट में मैंने 8वें नंबर पे रखा है TVS की रेडर 125 को। अब क्यों रखा है बताता हूँ आपको। ये कहने को तो स्पोर्टियर बाइक है भाई, लेकिन स्पोर्टियर जैसा इस पे अपने को स्टांस नहीं मिलता। मतलब ये थोड़ी कम्यूटर बाइक जैसी फील देती है अपने को बैठने पे। ये उतना परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तो 8वें नंबर पे मैंने रखा है ना भाई। नंबर 1 वाली बाइक मिस मत करना, वो बहुत ही परफेक्ट है डेली यूजेस के लिए और उसमें माइलेज भी अच्छा मिलेगा। अभी रेडर के कहानी के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है, रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है वो भी बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है, इवन इसमें आपको स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जो चाहिए आप ले सकते हो। ये भाई एक चीज़ में थोड़ा सा पीछे हो जाती है, इसका जो फ्रंट वाला फुटरेस्ट है ना, वो मतलब अपराइट वाला फील नहीं देता है, थोड़ा सा पीछे है भाई। तो जैसे थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं स्पोर्टियर बाइक वाला स्टांस दे देती है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो इसीलिए भाई इसको राइड करते टाइम सिटी में जाम जुम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए भाई इसको मैंने 8वें नंबर पर रखा है। हालांकि गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी है भाई, इसमें 124.8 सीसी का इंजन मिलता है जो आपको 11.2 bhp का पावर और 11.2 nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये आपको भाई 125 तक का टॉप स्पीड निकाल के देती है, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है भाई। इसमें 5 गियर मिल जाते हैं, एक आपका गियर आगे लगता है, 4 जो बचता है वो पीछे के साइड लग जाता है, 10 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। इवन अभी तक कंपनी वालों ने इसमें ABS नहीं निकाला है। मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, फिर भी ABS पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे TVS वाले। अभी भी आपको SBD का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देता है और रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देता है। हालांकि अब इसमें फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन आ चुका है, आप चाहो तो ले सकते हो। 17 इंच का टायर मिलता है, फ्रंट वाला 86 का है और रियर वाला 100 सेक्शन का है। 123 किलो इसका वजन है। सीट हाइट आपको 780 mm का मिल जाता है, मतलब 5 फीट का बंदा इस गाड़ी को आराम से चढ़ा सकता है। बाकी 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब आप गड्ढे गुड्डी वाले रास्ते से भी इसको लेके जाते हो तो ये नीचे से बाइक टच नहीं होने वाली है। इवन इसमें आपको 5 साल 60,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पर, 3 फ्री सर्विस मिलता है बस। तो ये 8वां नंबर पे रखा है मैंने, तो आप समझ सकते हो भाई कि उतना परफेक्ट नहीं है डेली यूजेस के लिए। बात करें अगली गाड़ी की, तो 7वें नंबर पे मैंने रखा इस लिस्ट में बजाज की फ्रीडम 125 को। अब आप बोलोगे भाई बजाज ने इसको कम्यूटिंग करने के लिए ही बनाया है, फिर भी आपने इसको क्यों 7वें नंबर पर रखा है, मैं बताता हूँ भाई। ये अगर देखा जाए तो भाई बहुत ही अच्छी गाड़ी है, माइलेज वगैरह काफ़ी सही दे रही है, 1 रुपये में 1 किलोमीटर चल जाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 7वें नंबर पर क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका जो कर्वेट है ना भाई, 149 किलो है, 150 किलो भाई, आप जब सिटी में ड्राइव करते हो ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, आपको कभी रोकना पड़ता है, कभी गाड़ी घुमाना पड़ता है, कभी गाड़ी ऐसे वैसे करके ले जाना पड़ता है। तो भारी अगर गाड़ी है, आपका हाइट थोड़ा कम है, तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा बताओ। गाड़ी जो लाइट वेट होता है ना, उसको भाई सिटी में चलाने में इतना मज़ा आता है ना भाई, पूछो मत। इसका हैंडलिंग वगैरह, सीटिंग कंफर्ट वगैरह बहुत ही बढ़िया है भाई, सीट का कुशनिंग वगैरह भी बहुत ही बढ़िया है, और इवन फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है सस्पेंशन और रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है, मतलब कंफर्ट नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और सीट हाइट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, अगर आप कंपेयर करोगे अदर गाड़ी से, जैसे इसमें 825 mm का सीट हाइट मिलता है, 5 फीट का बंदा कभी सपने में भी इसको नहीं चला सकता है भाई, सपने में भी। तो सोच लो भाई कैसे लोग इसको चलाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा भाई आगे रखा है, आगे मतलब लास्ट में रखा है कह सकते हो। हालांकि मैं इसको ख़राब नहीं बोल रहा भाई, ये 125 सीसी की बाइक है, इसमें आपको 9.3 bhp का पावर और 9.7 nm का टॉर्क मिल जाता है,
बाकी टॉप स्पीड आपको 100 प्लस मिल जाता है इसमें, 5 गियर का सेटअप मिल जाता है इसमें। इसके अलावा इसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है और 2 किलो का सीएनजी टैंक मिलता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक मैंने बता ही दिया, 130 mm का ड्रम मिलता है फ्रंट में, डिस्क भी ले सकते हो 240 mm का, बाकी रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है। 17 inch का टायर मिल जाता है। बेस वेरियंट लोगे तो फ्रंट में भी 80 सेक्शन का और रियर में भी 80 सेक्शन का, टॉप एंड वेरियंट लोगे तो थोड़ा मोटा मिलेगा। बाकी 149 किलो इसका वजन है, 825 mm इसका सीट हाइट है। इसके अलावा आपको व्हील बेस इसमें मिलता है 1340 mm का और ट्रेलिस वाला अपने को फ्रेम मिल जाता है। गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी है भाई, पावर वगैरह के मामले में ठीक भागती है, लेकिन भाई वजन की वजह से ही मार खा जाती है। अब भाई मैं अच्छा खासा रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ तो हर एक चीज मैच करना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है भाई, यानी 7वें नंबर पे रखा है। बाकी हाँ, फ्रीडम के प्राइजेज की बात करते हो तो ये भाई आपको 1,10,486 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी 1,28,209 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। वहीं मैंने रेडर का प्राइजिंग आपको नहीं बताया, वो भी आपको बताता हूँ। वो मोटा मोटी आज के रेट में भाई स्टार्ट होती है 99,955 रुपये से शुरू होकर 1,25,453 रुपये तक। बतेरो वेरियंट आता है तो सबका प्राइस मैंने इंक्लूड करके बता दिया, इतने से शुरू होता है इतने तक मिल जाता है। बाकी मैंने यहाँ पे 6ठे नंबर पे रखा है बजाज की पल्सर 125 को। देखो ये भी गाड़ी नो डाउट अच्छी है भाई, लेकिन बहुत ही बल्की है यार, बहुत ही बल्की। हालांकि इसका सीटिंग जो है ना भाई, वो बिल्कुल ही कम्यूटर बाइक की तरह है, कंफर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाता है, उतना भी अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक खास चीज़ मिलता है भाई, जो आपको इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है। वो भाई इतना मज़ा देता है ना सिटी में, इतना कंफर्ट आपको देता है, ये हाथ वाथ बिल्कुल भी आपका दर्द नहीं होगा कितना देर भी आप गाड़ी को ड्राइव करो। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा ये भाई आगे डिजर्व करती है, इसीलिए मैंने इसको 6ठे नंबर पर रखा है। ये प्राइजिंग मैं पहले बता देता हूँ, ये आपको 95,642 रुपये शुरू होकर 1,11,142 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको इंजन मिलता है 124cc का, जो आपको 11.64 bhp का पावर और 10.8 nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये आपको अप्रोक्स 45-50 का माइलेज दे देती है। 5 गियर मिल जाते हैं, 1 गियर आपका आगे लगता है, 4 बजता है जो पीछे लग जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 11.5 लीटर का मतलब 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में ट्विन गैस टॉक वाला सस्पेंशन मिलता है, जो कि अच्छा खासा कंफर्ट दे देता है, नेटवर्क्स का है। इसमें भी आपको ABS नहीं मिलता, इतना प्राइसिंग है फिर भी ABS नहीं मिलता। इसके फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, ड्रम का ऑप्शन नहीं मिलता और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। 17 inch का टायर मिल जाता है 80 सेक्शन का फ्रंट में और 100 सेक्शन का रियर में है। इसके अलावा 140 किलो इसका वजन है भाई, वजन भी मायने रख, इसको भी सिटी में चलाना थोड़ा सा भाई दिक्कत वाली बात है। हालांकि इसका सीट हाइट बढ़िया है भाई, 790 mm का 5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है, लेकिन व्हील बेस 1320 mm का मिलता है। हाई स्पीड में स्टेबिलिटी के मामले में गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा सा बेकार है भाई, ये चीज़ है। 5 साल का आपको वारंटी मिलता है 75,000 किलोमीटर तक और 3 ही फ्री सर्विस मिल जाता है। तो पल्सर 125 को भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन भाई नंबर 1 वाली जो गाड़ी है ना, वो बेस्ट है कम्फर्ट के लिए। आगे बताता हूँ, बात करें अगली गाड़ी की, तो 5वें नंबर पे रखा है मैंने बजाज की सिटी 125X को। अभी भाई ये बहुत ही अंडररेटेड बाइक है, लेकिन जो जानते हैं वही इसको खरीदते हैं। ये आपकी मात्र 87,000 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी 92,000-91,000 तक मिल जाती है। ये इतनी अफोर्डेबल बाइक है, इतनी अफोर्डेबल बाइक है कि कोई सपने में भी इतनी अफोर्डेबल बाइक नहीं दे सकता कोई भी कंपनी। खैर, इसमें आपको मिलता है इंजन 124.4cc का, जो आपको 10.7 bhp का पावर और 11 nm का टॉर्क निकाल के देता है। इसको मैंने 5वें नंबर पे क्यों रखा है बताता हूँ। देखो ये भी गाड़ी नो डाउट अच्छी है भाई, लेकिन जो इसका हैंडल बार है ना, वो काफ़ी वाइड है यार, मतलब कंफर्ट तो देता है लेकिन इसको मुड़ाने उड़ाने में बड़ा दिक्कत होता है भाई। मैंने चलाया अच्छा खासा, मैंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आप सभी से शेयर किया है, और ये गाड़ी थोड़ी हेवी भी है भाई, मतलब जैसे इसका 130 किलो वजन है, उतना तो हेवी नहीं है लेकिन थोड़ी हेवी सी फील होती है। और इसका जो सीट हाइट है ना, वो मेन नेगेटिव पॉइंट है, 810 mm का सीट हाइट मिलता है भाई। 5 फीट का बंदा तो कभी सपने में भी इसको नहीं चला सकता है, आपको एटलीस्ट 5.5 फीट का बंदा होना ही पड़ेगा इसको चलाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा मार खा जाती है भाई। लेकिन आप फिर भी ठीक है भाई, जिनका हाइट वाइट बढ़िया है ना, उनके लिए परफेक्ट गाड़ी है, बजट नहीं है तो इसको ले सकते हो। लेकिन 5वें नंबर पे रखा है तो आप समझ ही सकते हो भाई इसका क्या दर्जा है हमारे लिस्ट में। खैर, ये भाई आपको 60 तक माइलेज दे देती है अप्रोक्स, 95-100 का आपको टॉप स्पीड दे देती है। इसमें आपको 5 गियर मिलता है, 1 गियर आपका आगे लगता है, 4 पीछे लग जाता है। इसके अलावा आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इसमें। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जिसका स्ट्रोक 125 mm है, जो कि कम्फर्ट भाई नेक्स्ट लेवल देता है। और रियर में आपको SNS का नाइट्रोक्स का सस्पेंशन मिलता है, जिसका स्ट्रोक है 100 mm,
वो भी ठीक देता है, लेकिन थोड़ा सा स्टिफ साइड है भाई। इसमें भी आपको CBS का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, फ्रंट में 130mm का ड्रम मिलता है और रियर में आपको 130mm का ही ड्रम मिलता है। डिस वाला लोगे तो 240mm का डिस ब्रेक मिल जाएगा फ्रंट में। बाकी 17 इंच का टायर मिल जाता है, 80x117 फ्रंट में है और 100x90/17 रियर में है। इसके अलावा कॉर्बेट मैंने आपको बताई थी 130 किलो है। सीट हाइट आपको मिल जाता है 810mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 170mm का। इसके अलावा आपको व्हील बेस मिलता है 1285mm का। इसका टर्निंग रेडियस वगैरह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हैंडल की वजह से ये थोड़ी सी मतलब उड़ाने में दिक्कत करती है। 5 साल 75,000 किलोमीटर का इसमें आपको वारंटी मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, और 3 ही फ्री सर्विस मिल जाता है। और इसमें फीचर्स के नाम पे भाई आपको ओनली USB मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता, हालांकि DRL भी मिल जाता है। खैर बात करें अगली गाड़ी की, तो चौथे नंबर पे मैंने रखा है इस लिस्ट में होंडा की Shine 125 को। अब आप बोलोगे अंकित भाई तुम पगला गए हो क्या, Shine 125 इतनी मस्त गाड़ी है, इसको चौथे नंबर पे रखे हो। भाई देखो मस्त गाड़ी है, नो डाउट, बहुत ही प्यारी है, मेरे को भी बहुत ही पसंद है, लेकिन वो कुछ कुछ चीज़ों की वजह से मार खा जाती है भाई, इसीलिए उसको सिटी में चलाना थोड़ा सा सिरदर्दी वाला चीज़ हो जाता है। हर चीज़ बताता हूँ डिटेल में, थोड़ा सा सब्र रखो। ये भाई आपकी 93,634 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी 97,000-98,000 तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको इंजन मिलता है 123.94 cc का, जो आपको 10.59 bhp का पावर और 11 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये गाड़ी आपको 60-65 का माइलेज दे देती है, 5 गियर मिल जाते हैं, सारा गियर आपका पीछे लगता है। इसके अलावा 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। इसके अलावा CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, फ्रंट में 130mm का ड्रम, ऑप्शन में 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में 130mm का ड्रम मिल जाता है। 18 इंच का टायर मिल जाता है, फ्रंट में भी 80 सेक्शन और रियर में भी 80 सेक्शन, और आपको इसमें 113 किलो का कर्वेट मिलता है, और सीट हाइट भी इसका बढ़िया है भाई 791mm का। डायमेंशन के मामले में ये गाड़ी भाई बहुत ही परफेक्ट है सिटी में चलाने के लिए, लेकिन मार खा जाती है मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कम है भाई, 162mm ओनली, जो कि भाई नीचे से टच टूच करा देता है। इसके अलावा इसमें आपको भाई जो सस्पेंशन मिलता है वो इतना घटिया है, और जो सीट मिलता है वो इतना घटिया है पूछो मत भाई। आप सिटी में जब चलते हो तो धूप ऊप भी लगता है, तो सीट में जो कुशनिंग रहता है वो भाई मज़ा देना चाहिए ना, इसका भाई कुशनिंग बिल्कुल भी मज़ा नहीं देता, पिछवाड़ा दर्द होने लगता है भाई आप ट्रैफिक में जब इसको चलाओगे तो। इवन ग्राउंड केस भी कम है, हरदम भाई नीचे से टच टूच होता रहता है अगर आप 2-3 जने को बैठा के चलोगे तो। इसके अलावा इसमें एक और कमी है भाई जो आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ, वो है भाई इसका वारंटी। हम परफेक्ट बाइक की बात कर रहे हैं ना भाई, जो हर चीज़ के मामले में परफेक्ट हो, कम्फर्ट से लेके माइलेज से लेके सर्विस से लेके हर चीज़ के मामले में। तो ये कुछ कुछ चीज़ों में ठीक है भाई, जैसे माइलेज वगैरह अच्छा देती है, रिलायबल इंजन है इसमें, लेकिन भाई जब बात आता है वारंटी वगैरह या फिर कंफर्ट वगैरह का तो ये थोड़ी सी पीछे हो जाती है भाई, तो इसलिए ये चौथे नंबर पे डिजर्व करती है, इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पे रखा है भाई। आप समझो इसमें 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही वारंटी मिलता है, जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा है उसमें एटलीस्ट 5 साल का वारंटी तो मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई कंफर्ट के लिए अगर आप बाइक ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन माइलेज वगैरह के लिए ठीक ठाक है भाई। बात करें अगली गाड़ी की, तो तीसरे नंबर पे मैंने रखा है SP125 को। अब आप बोलोगे भाई इतनी परफेक्ट गाड़ी है और इतने पीछे रखे हो, भाई रीजन है यार, जैसा साइन में सिस्टम मिलता है ना वैसा ही सिस्टम इसमें भी मिलता है। इसका भी प्राइजिंग ठीक है भाई, 1,01,000 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी आपको 1,06,000-07,000 तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है इसीलिए बेचारी मार खा जाती है, और इसमें आपको सस्पेंशन भी बेकार मिलता है और सीट भी बेकार मिलता है, और इवन इसका रियर वाला फुटरेस्ट है ना वो भी बेकार है, फ्रंट वाला भी फुटरेस्ट बेकार है भाई, जो फोल्ड वोल्ड नहीं होता है। तो इंजन वाइज ये भी ठीक है भाई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों वाइज ये भी थोड़ी पीछे है भाई, इसको थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि भाई मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, अब होंडा वाले चाहें तभी तो ये बेचारी आगे आएगी ना। बाकी हाँ बात करें इंजन वगैरह के, तो इसमें आपको 124 cc का इंजन मिलता है, 10.22 bhp का पावर, 10.9 Nm का टॉर्क है। बाकी हाँ 5 गियर मिल जाते हैं, गियर आपका आगे लगता है, 4 जो बचता है वो पीछे की साइड लग जाता है। फ्यूल कैपेसिटी आपको 11.2 लीटर का मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, जो कि बहुत ही घटिया है भाई। इसके अलावा CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इसमें 130mm का ड्रम ब्रेक फ्रंट में और ऑप्शन में 240mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। बाकी 80x118 का फ्रंट में मिलता है और रियर में आपको टायर मिलता है 100x80/18, 18 इंच का टायर है भाई, 116 किलो इसका वजन है, वजन भी काफ़ी बढ़िया है सिटी में चलाने के लिए, और व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है 1285mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बेकार है भाई साइन की तरह 160mm का, लेकिन हाँ इसमें सीट हाइट 790mm को मिलता है, आराम से 5 फीट का भी बंदा इसको ड्राइव कर सकता है। जो जो कमी है भाई SP125 का मैंने आपको बता दिया, सिटी में चलाने के लिए भाई अच्छा कम्फर्ट मिलना चाहिए और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, जो आपको SP में नहीं मिलता। बात करें अगली गाड़ी की, तो दूसरे नंबर पर मैंने रखा है इस
लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प की सुपर स्प्लेंडर को। जी मैं सही बोल रहा हूँ, सुपर स्प्लेंडर को। अभी इसके जैसा मजेदार गाड़ी भाई हमारे इंडियन मार्केट में नहीं है। इसमें जो आपको सस्पेंशन मिलता है, सीट मिलता है, वो भाई कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करता इस सेगमेंट में। और इवन इसमें भाई आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल जाता है, व्हील बेस भी अच्छा मिल जाता है, और कर्वेट भी अच्छा मिल जाता है, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। अभी अगर आप सुपर स्प्लेंडर लेते हो तो 96,000 रुपये से ही मात्र मिलना शुरू हो जाती है। बहुत ही अफोर्डेबल भी है। हालांकि इसमें एक्सटेक फेक्सटेक भी आता है, उसका प्राइजिंग थोड़ा सा ज़्यादा है भाई। इसमें आपको 124.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो आपको 10.22 बीएचपी का पावर और 10.6 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। 5 गियर मिल जाते हैं इसमें, कीक और सेल्फ दोनों मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें माइलेज 55-60 का मिल जाता है, और टॉप स्पीड आपको 100+ मिल ही जाता है। इसके अलावा 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला मिलता है, और रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है, जो कि इतना मजेदार है भाई, इतना मजेदार है। आप बैठोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि अंकित भाई क्यों ऐसा बोल रहा है। और सीट भी भाई इसमें काफ़ी मुलायम मिलता है, और काफ़ी मजा आता है भाई, पिछवाड़े को सुकून मिलता है इस पे बैठ के। और इसमें आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट में 130mm का ड्रम ब्रेक और 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। 80 सेक्शन का फ्रंट में टायर और 90 सेक्शन का रियर में टायर है। अगर आप एक्सटेक लेते हो तो 100 सेक्शन का हो जाता है। 122 किलो इसका वजन है, वजन भी काफ़ी बढ़िया है भाई। आप थोड़ा भगाने वाले बंदे हो तो ये गाड़ी बताएगी भी नहीं। और 799mm सीट हाइट है, मतलब 5 फीट का भी बंदा आराम से इसको ड्राइव कर सकता है। 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। चेसिस काफ़ी बढ़िया मिलता है। इसके अलावा व्हील बेस भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और 5 साल 70,000 किलोमीटर का वारंटी मिल जाता है। बाकी 5 फ्री सर्विस मिलते हैं इसमें, और फीचर्स भी भर भर के मिल जाते हैं। सेमी डिजिटल मीटर कंसोल वगैरह, USB वगैरह भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई ये गाड़ी आपके लिए सही हो सकती है, अगर आप सिटी के लिए बाइक ढूंढ रहे हो तो। क्योंकि भाई जो सिटी के लिए बाइक ढूंढ रहा है वो कुछ ना कुछ वर्क करता होगा भाई। जैसे बहुत बंदे डिलीवरी का काम करते हैं तो उनको फ़ोन वोन भी चार्ज करना होता है, तो इन सब में आपको USB वगैरह मिल जाता है। लेकिन साइन में, SP में आपको USB वगैरह नहीं मिलता, तो ये सब थोड़ा सा सीन है भाई, आप समझो। सुपर स्प्लेंडर का मैंने हर कहानी बता दी है। बाकी हाँ, नंबर वन पे आने वाली गाड़ी की बात करें, बता दूँ कौन सी है वो नंबर वन पे आने वाली गाड़ी, बता ही देता हूँ भाई। वो है आपकी नई नवेली हीरो मोटोकॉर्प की ग्लैमर। एक्सट्रीम फिक्सट्रीम की बात नहीं करेंगे भाई इसमें, क्योंकि हम सिटी वाले गाड़ी की बात कर रहे हैं, जो मज़ेदार हो, फैमिली के लिए परफेक्ट हो। अभी भाई ये जो गाड़ी है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है आज के रेट में 125 सेगमेंट में। नई वाली ग्लैमर की बात कर रहा हूँ, जो LED हेडलाइट वगैरह के साथ आई है। इसका प्राइसिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आपको मोटा मोटी 1 लाख रुपये शुरू होकर 1,03,000 रुपये तक मिल जाएगी ऑन रोड। बाकी रहा बात इसके इंजन का, तो इसमें आपको 124.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 10.39 bhp का पावर और 10.4 nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये गाड़ी माइलेज के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है, और पिकअप भी इसमें काफ़ी शानदार है भाई। आपको माइलेज अप्रॉक्स 60-65 तो मिल ही जाएगा, 60-65 का कह सकते हो। बाकी 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। वजन भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, जो कि हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ आता है, सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ। और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप भी मिलता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर के साथ ही आता है, और दोनों का स्ट्रोक भाई अच्छा खासा है। और फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, ऑप्शन में 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके अलावा टायर भी काफ़ी अच्छा है, 80x118 है फ्रंट में, और रियर में 100x118 है। और यही नहीं, इसका कर्वेट है भाई 121 किलो के लपेट में, और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 170mm का, और सीट हाइट मिलता है 790mm का, और व्हील बेस भाई इसका मिलता है 1267mm का, और डायमंड फ्रेम मिल जाता है, 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिल जाता है, और आपको 5 फ्री सर्विस मिल जाते हैं। फीचर्स भी इसमें भर भर के दे रखा है, हजार का बटन वगैरह भी दे रखा है, क्योंकि सिटी में हजार का बटन भी काम आता है भाई। तो मेरे नज़र में तो भाई वन ऑफ द बेस्ट बाइक यही है आज के डेट में, सिटी के लिए और कम्फर्ट वगैरह के लिए। हालांकि माइलेज के लिए अगर आपको बाइक लेना है तो SP साइन ले सकते हो, वो सब भाई 70-75 का भी माइलेज देती हैं, लेकिन भाई माइलेज लेके क्या करोगे जब कम्फर्ट ही नहीं मिलेगा। तो बाकी हाँ, ग्लैमर को अगर आप एक बार में 100 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर तक ड्राइव करते हो तो थकोगे नहीं भाई, लेकिन 200 किलोमीटर से अबव ड्राइव करोगे तो फिर थक जाओगे, क्योंकि ये कम्यूटर गाड़ी है भाई। इस लिस्ट में सारी गाड़ियाँ कम्यूटर ही हैं, तो सारी ठीक है भाई, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, मैंने नंबर वाइज सबको बांट दिया है। आपको बेस्ट कंफर्ट वाली बाइक चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, ग्लैमर को। अगर आपको सबसे घटिया कंफर्ट वाली बाइक चाहिए तो आपके लिए भाई रेडर है, उसके बाद फ्रीडम है, उसके बाद पल्सर है, उसके बाद SP है, उसके बाद साइन। सबको मैंने लाइन बाई लाइन रख ही दिया है, हर चीज़ बता ही दिया वीडियो में। काफ़ी मजा आएगा आपको, और
आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से चैन सभी को।